टैग करो जल्दी से कि अगर आपने कभी इतने बड़े अप्पे खाए हैं। 1 2 3 ओए बढ़िया लग रहा है मम्मी, सिंपल और बेस्ट, सस्ता, 40 रुपये में मसाला डोसा। वाह, कितने बजे बंद करते हैं अपन? पूरा पका हुआ मतलब, मैंने कई बार देखा है कि अप्पे कई बार ना अंदर से कच्चे हो गए थे, जल्दी पलट देते हैं। 4 घंटे सोते हो बस? क्या बात है। मनमीत की आंखें ये देखो, ओए ये है मनमीत की आंखें, इतनी मोटी हैं। सब्सक्राइब कीजिए दिल से फूडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फूड ब्लॉग्स देखने के लिए। लीजिए जनाब, कहाँ पर आए हैं? आईटी पार्क का जो टी पॉइंट है, ये टी पॉइंट दिखाते मन्नी, ये टी पॉइंट है, वहाँ पर आए हैं। बस स्टॉप के जस्ट ऑपोजिट अगर आपको आना है, आना ही है क्योंकि यहाँ पर आए हैं हम, यहाँ पर आज ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर मनमीत की आंखों जैसे मोटे मोटे अप्पे, जी हाँ यहाँ बनते हैं। हमने तो दिल्ली में या कहीं और खाए होंगे इतने छोटे छोटे गोली टाइप अप्पे, यहाँ इतने मोटे मोटे अप्पे हैं वो खाएंगे। साबूदाना वड़ा एकदम क्रिस्पी जैसे बनता है वो दिखाएंगे आपको, वड़ा भी है, सब कुछ है। देखते हैं कि एक्चुअली ये बनता कैसे है और उसके बाद कुछ लोगों से बात भी करेंगे कि टेस्ट कैसा है। चलिए देखते हैं कि वो अप्पे कैसे बनते हैं, आइए। तो ये देखो गाइज, ये बन रहे हैं अप्पे और ये जगह का नाम क्या है भाई? मदुरई साउथ इंडियन सेंटर। मदुरई मीनाक्षी टेम्पल साउथ इंडियन सेंटर, आईटी पार्क, क्या बात है। आईटी पार्क का टी पॉइंट है, असिस्टेंट सामने है। क्या बात है भाई, ये घी में बनता है? हाँ। देसी घी भाई, ये देख रहा है। हाँ जी, दिलसा ब्रांड। अच्छा वाह, तो अंकल कितना टाइम से लगा रहे हैं यहाँ पे, कितना साल हो गया आपको यहाँ पे? 5 साल हो गया। 5 साल हो गया, तो पूरा साउथ इंडियन मिलता है। ये देखो, ये गर्मा गर्म वड़े बन रहे हैं, वड़े सांभर वड़ा, और वो उधर बनी हुई देखो, दिखाते गर्मा गर्म बन रहा भाई। वाह। कितने बजे बंद करते हैं अपन? 2 बजे। 4 घंटे सोते हो बस? क्या बात है। अब इसको पलटेंगे थोड़ा रुक के, है थोड़ा नीचे से एक तरह से पक जाएगा ये। इसको ढकता भी है किसी चीज़ से? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे ही ओपनली। वाह, पलटना पड़ेगा। तो अभी मेन इंटरेस्टिंग पार्ट तो वो आएगा जब इसको पलटेंगे। तो ये देखिए, किसी के लिए सांभर बड़ा लग रहा है और ये गया। हाँ हाँ, सांभर का खुशबू बहुत बढ़िया भाई साहब। ये एक प्लेट कितने का आता है सांभर वड़ा? 30 रुपया। और अगर सिंगल लेने का तो? 15 रुपये। क्या बात है यार। और मसाला डोसा? 40 रुपये। मनमीत ये पलटने वाले, आ जाओ। मनमीत की आंखें ये देखो, ओए ये है मनमीत की आंखें, इतनी मोटी हैं। नहीं है, पूरा लिक्विड निकल रहा है। टैग करो जल्दी से कि अगर आपने कभी इतने बड़े अप्पे खाए हैं। अगर इसको पलट देंगे ना तो ये नीचे सारा लिक्विड गिर जाएगा, तो दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक जाएगा। ये एक प्लेट में कितने का आता है अंकल? 4 पीस आते हैं एक प्लेट में। हाँ। कितने का एक प्लेट? 40 रुपये। वाह, साथ में इसके सब क्या करते हैं? चटनी, चटनी सांभर। ओहो, तो ठीक है, मैं आपको हम खा के भी बताएंगे कि एक्चुअली में ये टेस्ट कैसा है। और ये देखो, ये देसी घी भाई साहब, ये है अप्पे असली। इससे पहले तो हम छोटी छोटी गोलियाँ खा रहे थे। बहुत बढ़िया। अगर एक दिन में कितना किलो घी यूज़ कर लेते हो आप? 1 किलो। 1 किलो पूरा यूज़ कर लेते हो? हाँ। चलो बढ़िया, चीज़ बढ़िया लग रही है। अब मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ। कितना टाइम से आ रहे भैया यहाँ पे? फर्स्ट टाइम है, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। सस्ता भी है। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बात है, बढ़िया। तो ये बन रहा भाई डोसा, कौन सा डोसा बना रहे हैं? मसाला डोसा? मसाला डोसा। जब वो तवे का हीट बहुत बड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तब होता है। वाह, आप पे भी रेडी हो गया। पहले डोसा एक बार पलट लेते हैं, पलट लो, मैंने दिखा आप पे पलट रहे भैया। और ये देख भाई, डोसा मसाला डोसा, बहुत बढ़िया। बढ़िया लग रहा ना? वो देखो गाइस, अप्पे पलटे जा रहे हैं, अप्पे बन चुके हैं और इतने मोटे अप्पे हैं भाई, ये देख इतने मोटे अप्पे।
ये लो भाई। ये देख मसाला कितने रुपए का आता है एक मसाला डोसा? 40 रुपए। क्या बात है। बढ़िया लग रहा है मम्मी, सिंपल और बेस्ट, सस्ता 40 रुपए में मसाला डोसा। अब ये सांबर डालेगा भाई, सांबर चटनी चटनी। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए गाइस, अप्पे बन चुके हैं। एक प्लेट हमारा लगा दो। ये देख भाई बनी, रिकॉर्ड कर ले, ये जो लगा रहे भैया एक प्लेट। वाह वाह, ये लीजिए चटनी भी डल गया। मनमीत की आंखें भी, मनमीत तेरी चार आंखें हैं, दो आगे दो पीछे। अरे वाह, ये देखिए भाई पूरा आइटम कंप्लीट हो चुका हमारा। ये अप्पे है, ये कुछ और नहीं है। अप्पे इतने मोटे मैंने आज तक लाइफ में कभी नहीं खाए, देखे भी नहीं है, खाने तो बहुत दूर की बात है मनी। क्या बात है। तो ये देखिए एक प्लेट हम साबुदाना वड़ा भी ले रहे हैं, साथ में अप्पे लिए हैं, सांभर इसके साथ भी आएगा। और ये क्या बन रहा है? वड़ा, साबुदाना। साबुदाना वड़ा बन रहा है मम्मी, देख साबुदाना वड़ा कैसे बनता है, छोड़ देता हूँ। तो ये देख रहे हैं, ये साबुदाना वड़े बन रहे हैं। दोबारा बनाओ, ऐसे दबाई की डालना। हाँ हाँ, ये देख, ओए हो, उस पर देख जो हाथ से बना रहे जैसे, बढ़िया ना, वो मेन चीज़ है। पूरा बॉल बना के, तो इसको मतलब कि पहले थोड़ा सा हाफ फ्राई किया जाता है, उसके बाद इसको दबा के प्रेस किया जाता है। हाँ ये देखो बन्नी, लुक एट दिस, देख रहा भाई साहब, ये थोड़ा नीचे गया और ये ऊपर आएगा, 1 2 3, ये देख, वाओ है ना बढ़िया। अब चले टेस्ट करें। ये प्रेस किया और दोबारा गया अंदर, फ्रेश साबुदाना वड़ा। क्या बात है, ये उठाया प्रेस एंड तो ये अब एकदम सुपर क्रिस्पी हो जाएंगे। अरे अंदाजे से डाल रहे, उठा के दिखाता हूँ पहले, ये लास्ट है, दिखाऊँ? 1 2 3, ओए होए होए होए। अभी कितनी देर तक ले, कितनी देर होगा ये? 4 मिनट, 3-4 मिनट लगेगा इसको जब ये एकदम सुपर क्रिस्पी हो जाएगा। बढ़िया यार, तो खाना आ चुका है और साबुदाना वड़ा जैसे पार्थ ने कहा था मैं खाऊंगा अकेले, तो कोई किसी को नहीं देगा, बोला तो उसने ये भी था कि ये भी खा जाऊंगा अकेले, पर हम देंगे नहीं, टेंशन ना लो। चलो अब करते हैं स्टार्ट टेस्ट। पहले मैं तोड़ लेता हूँ, थोड़ा सा अप्पा लेते हैं, इतना मोटा अप्पा यार। मनमीत दर्द तो नहीं हो रहा? मनमीत दर्द तो नहीं हो रहा? चलो मनमीत की आंखें लग रही थी बड़ी। कल जो साबुदाना वड़ा खिलाया ना उससे बहुत बेटर है। ओके वाह, अंदर तक पूरा भरा हुआ, पूरा पका हुआ है। मतलब मैंने कई बार देखा है कि अप्पे कई बार ना अंदर से कच्चे हो जाते हैं, जल्दी पलट देते हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है, ये देख, कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है मम्मी तेरे सामने, ये देख तेरे सामने अंकल ने देसी घी डाला था, कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है। मज़ेदार चीज़ है चटनी भाई, लगाया एक बाइट लो, बहुत टेस्टी है। अरे वाह, क्रिस्पी बहुत है अभी भी, जबकि ठंडा हो गया थोड़ा। अरे अपन ने पुराने बैच में दिया,
भाई अगर आपको साउथ इंडियन खाना है ना तो ये कौन सा था है? आई टी पार्क आई टी पार्क का ये टी पॉइंट है, उसी पर आपको ये रेडी दिख जाएगी। एक बार दिखा दे मनी, नाम पढ़ा दे। मदुराई मीनाक्षी डोसा साउथ इंडियन सेंटर। बस स्टॉप के जस्ट डायरेक्टली अपोजिट, वो बस स्टॉप है, बस स्टॉप के जस्ट अपोजिट है। अगर आप थोड़ा सा घुमा के दिखा दे कि एरिया कौन सा है। गोल एक सब्सक्राइबर मिल गया सर, आप वीडियो कब से देख रहे हो? मुझे ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए हैं। मैं दिल्ली में था, अच्छा। तब मैंने सब्सक्राइब किया था। ज़्यादा से ज़्यादा जनकपुरी के जो डिशेस हैं हम लोग दिखाते हैं, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर आप हमेशा रहते हो, यहीं की हो? मैं नागपुर का प्रॉपर हूँ। तो ये आप पहली बार आए यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, मैं रेगुलर है यहाँ पे। सुबह कोई मतलब नाश्ता जो हेल्दी और टेस्टी नाश्ता मिल जाए वो यहाँ पे हमें इजीली अवेलेबल। आपको लगता है कि हमने सही जगह? बिल्कुल प्रॉपर यहीं पे जगह। अगर और थोड़ा सा पहले अगर आप आए रहते हैं तो आपको और एक जगह पे ले जा सकते थे, जैसे कि क्या? केशव पोहा करके खा लिया भाई। बस राम जी श्याम जी भी खा लिया, दोनों खा लिया। पर केशव इज मच बेटर देन रामजी श्याम जी, मच बेटर, नो डाउट। वीडियो शायद आ गया होगा उसका या आने वाला होगा, बट सीरियसली बहुत टेस्टी था। कभी आप नागपुर आए ना तो ये मदुराई मीनाक्षी टेम्पल साउथ इंडियन सेंटर, बहुत लंबा नाम है पर ठीक है, अच्छा है। तो भैया खा कर आया, मज़ा बढ़िया, बहुत टेस्टी था। अप्पे इतने मोटे आपने देखे, और साबूदाना वड़ा भी काफ़ी क्रिस्पी था। लोगों से बात भी करी और उन्होंने जैसे बताया कि बेस्ट जगह है यहाँ पर, तो इसलिए हम सही जगह आए हैं। एक बार आपको समझा देता हूँ दोबारा से कहाँ पे है। गायत्री नगर है और ये आई टी पार्क का टी पॉइंट है। ऐसे धुआं निकल रहा होगा ना, जो आवाज़ आ रही होगी, समझ जाना कि आप सही जगह आए हो। कभी भी यहाँ पर आए ये चीज़ें ज़रूर ट्राई करना। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपको जल्दी से एक नई वीडियो के साथ, बहुत जल्द। ये तीनों हैं भाई जो हमारे को घुमा रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग थे जो अभी सुबह उठ नहीं पाते वो लोग। तो हम जा रहे हैं अलग जगह और आपको मिलता हूँ जल्दी से दोबारा।